परिचय छात्रों, अब हम उस वस्तु के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा पदार्थ की उत्पत्ति हुई है क्या तुम में से कोई मुझे उस वस्तु विशेष का नाम बता सकता है हाँ राहुल तुम सर परमाणु बिल्कुल सही परमाणु वो सबसे छोटी वस्तु है जिससे पदार्थ बना है तो आओ इस पाठ में हम परमाणु के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे परमाणु के विभिन्न मॉडलों का वर्णन करना टॉमसन के परमाणु मॉडल को स्मरण करना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल व उसकी कमियों की चर्चा करना बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षों में प्राकिर्णन को स्मरण करना परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर करना परमाणु शब्द परमाणु यूनानी शब्द एटम से बना है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य यूनानियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पदार्थ को देखे न जा सकने वाले अति सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है इन कणों को वे परमाणु कहते थे परमाणु तीन प्रकार के कणों का संयोजन होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अधिकांश परमाणु द्रव्यमान के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उत्तरदायी होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में त्वरित होते हैं प्रोटॉनों का आवेश धनात्मक होता है न्यूट्रॉनों का कोई आवेश नहीं होता वे उदासीन होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द के कक्षों में त्वरित होते हैं उनका आवेश ऋणात्मक होता है परमाणु संख्या का निर्धारण प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर होता है अर्थात H बराबर एक समस्थानिक न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या में भी यही तत्व पाए जाते हैं इनसे एक तत्व बनता है जिसे समस्थानिक कहते हैं समस्थानिक के रासायनिक गुण वही होते हैं यद्यपि कुछ समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं कुछ समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं अर्थात वे अधिक स्थिर रूप संभवता एक अन्य तत्व अर्धजीवन में क्षरित होते समय ऊर्जा विकृत करते हैं किसी तत्व के परमाणुओं को स्थिर रूप में क्षरित होने में समय लगता है एक अन्य उदाहरण है एक परमाणु संख्या वाले हाइड्रोजन में एक दो या तीन न्यूट्रॉन हो सकते हैं टॉम्सन का परमाणु मॉडल जेजे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित पदार्थ का एक ठोस गोला है और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की भांति धसे हुए होते हैं तरबूज के खाने योग्य लाल भाग की तुलना परमाणु के धनावेश से की गई टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेश वाले गोले के रूप में होता है इलेक्ट्रॉन उस गोले में धसे रहते हैं मोटे तौर पर परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है क्योंकि परिमाणु में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश समान होते हैं हालांकि टॉमसन की ये व्याख्या कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है अन्य वैज्ञानिकों द्वारा गलत सिद्ध कर दी गई रदरफोर्ड का प्राकर्णन प्रयोग आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें प्लेटिनम एवं सोने जैसी धातुओं की पतली पन्नी के माध्यम से आवेशित कणों की बौछार की गई प्रयोग में लाए गए आवेशित कण ए यानी अल्फा थे और उनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में चार गुना तथा धनावेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का दो गुना था धातु की पतली पन्नी में परमाणुओं की कुछ ही परतों के होने की अपेक्षा की गई थी पन्नी पर विक्षेपित आवेशित कणों की गति पर ऋणावेश व धनावेश के विभाजन के विभिन्न प्रकारों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान का प्रभाव पड़ने की भी अपेक्षा की गई थी टॉम्सन के परमाणु मॉडल के आधार पर ये पाया गया कि धातु की पन्नी से गुजरते हुए आवेशित कण एक छोटे कोण पर मुड़ जाते थे परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है जो कि अव परमाणु कणों को हटे बिना सीधे जाने देता है परमाणु में कुछ धनात्मक केंद्रक होते हैं जो कि अव परमाणु कणों को हटाते अथवा प्रतिरुद्ध करते हैं जिस प्रकार आवेश एक दूसरे को प्रतिरुद्ध करते हैं केंद्र की ये धनावेशित संरचना नाभिक कहलाती है परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही कम होता है क्योंकि बहुत ही कम परमाणु कण अपेक्षाकृत बड़े कोण पर प्रतिरुद्ध होते हैं हृदय फोर्ट का परमाणु मॉडल अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया उनके मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेश केंद्रक नाभिक पर आधारित होता है नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं इसलिए इस मॉडल को परमाणु का उपग्रह ये मॉडल भी कहा जाता है कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेशों यानी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन नगण्य होता है उदाहरणार्थ यदि हम परमाणु की परिधि को एक किलोमीटर माने तो नाभिक का आकार परमाणु के कोर केंद्रक में उपस्थित क्रिकेट गेंद के बराबर होगा इस प्रकार परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है रदा फोर्ट के नाभिकीय परमाणु मॉडल की कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में यह कमी है कि चूंकि नाभिक व इलेक्ट्रॉन विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा साथ साथ रहते हैं इससे नाभिक व इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराव हो सकता है परमाणु में यह नहीं होता इसके लिए रदरफोर्ड ने यह व्याख्या दी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ में चक्रित होते हैं यह भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि सर्पिल पथ में गति करने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आखिरकार वे नाभिक में गिर जाते हैं किंतु परमाणु स्थिर होते हैं बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर 1913 ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करते हुए परमाणु संरचना का एक परिष्कृत मॉडल प्रस्तावित किया जो कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत की ओर पहला कदम है इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्रण कर सकते हैं जिन्हें विविक्त कक्षाएं कहते हैं इनमें से प्रत्येक स्थिर कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है अतः उन्हें ऊर्जा स्तर ऊर्जा कवच अथवा स्थावर अवस्था कहते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहता है अतः उसकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है भिन्न भिन्न कक्षों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा दोनों स्तरों से संबद्ध ऊर्जा के स्तरों के द्वारा दी जाती है अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा जहां एच प्लैक का स्तरांक है तथा वी अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की बारंबारता है इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षों में वितरण बोर तथा बरी ने इलेक्ट्रॉनों के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में वितरण के बारे में बताया किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सूत्र दो एन दो द्वारा निकाली जाती है इसमें एन का अर्थ कक्ष की संख्या है वाहितम कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आठ है तथा उपांतिम कक्ष में अठारह से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं अर्थात किसी परमाणु के अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ एक निश्चित संख्या में रासायनिक एकीकरण की क्षमता तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता जैसे कि व्याख्या की गई है वाहितम कक्ष के अष्टक को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास है बोरान की संयोजकता तीन और कार्बन की संयोजकता चार होती है क्योंकि वाहितम कक्ष में क्रमशः तीन व चार इलेक्ट्रॉन होते हैं चूंकि वाहितम कक्ष में फ्लोरीन के सात इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाता है अतः फ्लोरीन की संयोजकता एक है परमाणु संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है इस प्रकार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं माना किसी तत्व की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z होगी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Z होगी। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर A ऋण Z होगी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संरचना हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉनों की संख्या P बराबर Z बराबर एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर Z बराबर एक न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर A ऋण Z बराबर एक ऋण एक बराबर शून्य अतः हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है प्रथम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन परमाणु परमाणु संख्या Z बराबर आठ द्रव्यमान संख्या A बराबर सोलह प्रोटॉनों की संख्या P बराबर आठ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आठ न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर a ऋण z बराबर सोलह ऋण आठ बराबर आठ समस्थानिक डार्टन ने अपने सिद्धांत में कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु आकार अमाप तथा संरचना के दृष्टिकोण से समरूप होते हैं वैज्ञानिकों ने डाल्टन के इस विश्लेषण में विश्वास व्यक्त किया लेकिन बाद में इसे अमान्य कर दिया गया किसी तत्व में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है अर्थात समान परमाणु संख्या किंतु न्यूट्रॉनों के मामले में उनमें भिन्नता हो सकती है अर्थात उनकी परमाणु संख्या अथवा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है किसी तत्व के ऐसे परमाणु समस्थानी कहलाते हैं एक ही तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या यानी Z समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अथवा आंशिक परमाणु द्रव्यमान यानी A भिन्न होता है दूसरे शब्दों में न्यूट्रॉनों की संख्या के मामले में समस्थानिक परस्पर भिन्न होते हैं लगभग सभी तत्वों में समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक तीन होते हैं प्रोटियम यानी H, ड्यूटीरियम यानी D, ट्राइटियम यानी T। संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में जब परमाणु संख्या भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो तो उन परमाणुओं को संभारिक कहते हैं उदाहरणार्थ कैल्शियम व ऑर्गन में भिन्न इलेक्ट्रॉन संख्या तथा भिन्न परमाणु संख्या होती है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान अर्थात 40 होती है इसलिए उन्हें संभारिक कहते हैं क्या आप जानते हैं 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1836 गुना होता है उनके विपरीत आवेश परिमाण में ठीक बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर छोटा कक्ष नहीं बना सकता क्योंकि हीसनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग जैसी प्रकृति उसे छोटे क्षेत्र में सीमित होने से रोकती है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जे जे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित पदार्थ का एक ठोस गोला है और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की भांति धसे हुए होते हैं रदा फोर्ड के अल्फा कणों के प्राकर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज का मार्ग प्रशस्त किया रदाफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार उपग्रह सूर्य की कक्षा में घूमते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते हैं इसलिए इस मॉडल को परमाणु का उपग्रहीय मॉडल भी कहते हैं बोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर वितरित होते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या होती है समान परमाणु संख्या यानी Z, किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या यानी A, आंशिक परमाणु द्रव्यमान वाले एक ही तत्व यानी कुछ तत्वों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं भिन्न परमाणु संख्या किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं